के टीआई अशोक पाटीदार जिस भी थाने में जाते हैं वहां की हालत सुधार देते हैं। एरोड्रम थाने से जैसे ही वे परदेसीपुरा पहुंचे तो वहां की रंगत ही बदल गई। सफाई में नंबर वन इंदौर का परदेसीपुरा थाना भी सफाई में नंबर वन आने की तैयारी में है। टीआई पाटीदार का उनके जन्मदिन पर यह संकल्प पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में टीआई का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे। जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे सदस्यों के हाथों में गुलदस्ते और फूलमालाएं थी। उनके चाहने वालों ने पहले तो उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया, फिर उनका गुलदस्ते से स्वागत किया। केक काटने के बाद सभी ने बर्थडे सॉन्ग भी गाया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी टीआई का जन्मदिन मनाने के लिए इस अवसर में शामिल हुए। दिन भर जनहित के कामों में लगे रहने वाले टीआई पाटीदार का जन्मदिन शाम को अपनों के बीच मना तो वे भी बहुत खुश हुए। सभी ने अपने हाथों से टीआई पाटीदार को केक खिलाया। दीर्घायु की कामना करते हुए टीआई अशोक पाटीदार को सभी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं टीआई अशोक पाटीदार का कहना है कि जब हम यहां आए थे तो काफ़ी बदलाव की ज़रूरत थी। पेवर ब्लॉक से लेकर साफ सफाई सभी कार्य करवाए हैं, पहले और अब में बहुत अंतर है। जन्मदिन के दिन संकल्प लिया है कि सफाई में नंबर वन इंदौर का ये परदेसीपुरा थाना भी सफाई में नंबर वन बनाया जाएगा। पहले तो मैं क्राइम झरोका, दबंग न्यूज़ और ANB न्यूज़ इन सभी भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने थाने में आके मेरा जन्मदिन मनाया। और चूंकि परदेसीपुरा थाने में मुझे आए हुए लगभग 2.25 महीने हुए हैं, तो मेरा एक ही संकल्प था कि परदेसीपुरा थाने में जो साफ सफाई का मेरा टारगेट था, तो मेरे द्वारा कुछ पेवर्स जो दीवार के साइड से गड्ढे पड़ गए थे उनको कराया गया। उसके बाद आजू बाजू में सफाई गई कराई गई। ग्राउंड जो मैं जिसमें कीचड़ होता था उसमें मुरुम डला के मेरा बस यही संकल्प था कि ग्राउंड खेलने लायक हो जाए और व्यक्ति बैठ सके। तो उसी संकल्प में मेरा लगभग मैं 80% अपना काम करा चुका हूँ और 20% और संकल्प है कि यहाँ पे जो बैठने लायक एक ओटला बनवाना था वो भी आज निर्माण शुरू हो गया है और लगभग वो भी 2-4 दिन में समाप्त होकर जो मेरा एक था कि जन्मदिन तक मैं काम अपना कराऊँगा उतना मैंने करा चुका हूँ। सर, सफाई में चौका लगा चुके इंदौर का जो थाना है इसको भी सफाई में नंबर वन मतलब हाँ, मेरा प्रयास वही था। और आप देखेंगे कि मेरी जिस दिन मैं ज्वाइनिंग किया उस दिन के अगर फोटोग्राफ्स देखेंगे और अगर आज के आपको फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इंदौर ने जो चौका मारा है उसी तर्ज पर हम भी चौका मारने की तैयारी में चल रहे हैं। ठीक है।